की 18 साल का जो वर्षों पुरानी मांग हम लोगों का है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। सभी मुद्दों पर सहमति बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। लंबे समय से झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था और इसी बीच आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर पारा शिक्षकों की लंबी बैठक चली और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार के तर्ज पर जो नियमावली है वो झारखंड के पारा शिक्षकों पर लागू होगा। क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हुई हम जानने की सीधे कोशिश करेंगे पारा शिक्षकों से। हमारे साथ आप देख सकते हैं इस बार विजुअल के माध्यम से, एक बार आप देख लीजिए कि ये शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आवास है और यहाँ पर सभी पारा शिक्षक पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और क्या कुछ सहमति बनी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएं क्या कुछ सहमति बनी। जो मंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज था इससे स्पष्ट हो रहा है कि 18 साल का जो वर्षों पुरानी मांग हम लोगों का है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। अभी जो वार्ता हुई, वार्ता में स्पष्ट तौर पर बिहार के तर्ज पर उन्होंने बात को रखा। हम लोगों ने भी, सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर के उस पर सहमति जताया है और आकलन परीक्षा की बात आई जिस पर हम लोगों ने जताया है कि ठीक है, इस पर कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें जो नियमावली में जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, क्या कुछ हुआ आप विस्तार से बताएंगे, किन किन मुद्दों पर सहमति बनी, क्या कुछ हुआ? सभी मुद्दों पर सहमति बनी जो बिहार के तर्ज पर। अच्छा। जो सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधा झारखंड के पारा शिक्षकों को भी दी जाएगी और निश्चित तौर पर आगामी 13 तारीख को विभागीय स्तर पर अपने अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे 11 तारीख को। उसके बाद फिर 18 तारीख को पुनः पारा शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा जिस पर अंतिम रूप दिया जाएगा। संभवतः 5 सितंबर को हो सकता है कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के एक अच्छा दिन साबित होगा और पारा शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित को लेकर के एक कड़ी बनने की और अग्रसर हो। जो भी बातें बैठक में हुई, जो भी सहमति बनी उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि हमारी बैठक जो है इससे पूर्व भी 9 जून 2020 को माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हो चुकी थी। उस बैठक में एक काफी हद तक सहमति बन चुकी थी और उस जिस विषयों को लेकर के जीज थी उस विषय को लेकर के अटॉर्नी जनरल के पास गए हुए थे, वहां से राय भी आ गया, सजेशन भी आ गया था। उस सजेशन पर हम लोग आज चर्चा करने के लिए बैठे थे। चर्चा में यह आया कि हमको ऑप्शन दिया गया कि आप इधर उधर के राज्यों को छोड़ दीजिए कि नहीं, एक राज्य को सिलेक्ट करिए। प्रथम दौर के वार्ता के दौरान हमने, हमारे जो भी प्रतिनिधि मंडल में थे सारे लोग बैठ करके एक स्थान पर बैठे कि हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किन राज्य का चयन किया जाए। सबों ने एक राय दिया कि बिहार के तर्ज पर हम जो है वेतनमान लेंगे। बिहार पे जो चीज दिया गया है, जो सुविधाएं वहाँ पारा शिक्षकों को मिलती है वो सारी सुविधाएं हमको का जो होना था वो भी उसी के तर्ज पर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सारा चीज वहाँ जो सुविधाएं हैं, पीएफ की सुविधा है वहाँ सभी को ग्रेड पे मिलता है, पे स्केल है उनके लिए और एक सीमित आकलन परीक्षा के माध्यम से वहाँ जो है नियोजित किया गया था। हम भी चाहते हैं कि हमारा 65,000 जो पारा शिक्षक है वो विभिन्न योग्यताधारी है। इस आवास पे कितने लोग पारा शिक्षक लगभग पहुंचे होंगे? है तो काफी संख्या में, लेकिन यहाँ कितने लोग? लगभग 200 से अधिक पारा शिक्षक यहाँ पहुंचे हुए थे। हर जिले के प्रतिनिधि, बिल्कुल सभी लोग पहुंचे थे। लगभग 200 से ज्यादा पारा शिक्षक जो है अलग अलग जिलों से वो पहुंचे हुए थे और इस बैठक में ये सहमति बनी है कि 11 अगस्त को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एक बार फिर बैठक करेंगे अपने विभागीय सचिव के साथ और उसके बाद 18 तारीख को इस पर मुहर लगेगी कि झारखंड के पारा शिक्षकों को बिहार के तर्ज पर वो सुविधाएं दिया जाएगा, वो नियमावली जो कि बिहार के पारा शिक्षकों को दिया जा रहा है वो झारखंड के पारा शिक्षकों को दिया जाएगा और इस पर अंतिम मुहर 18 अगस्त को लगेगा। आज की बैठक में क्या सहमति बनी? आज का बैठक में निर्णय हुआ बिहार के तर्ज पर नियमावली बनेगा, जो बिहार के तर्ज पर नियमावली बनेगा उसी पर यहाँ नियमावली बनेगा। और अंतिम फैसला? अंतिम फैसला 18 तारीख। ये लोग तैयार हैं तैयार है? देखिए वही लोग को बात है, हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग तो अपना बना रहे थे। वही लोग बोले कि बिहार, यही लोग का सुझाव था कि बिहार के तर्ज पे किया जाए। मैंने अलग अलग राज्य का बोला जा रहा था, हमने कहा एक राज्य का बोलिए, किस राज्य का आप चाहते हैं? बिहार का बोला, बिहार का गजट मंगा रहे हैं, सारा चीज देखने की बात करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DSTV न्यूज।